नमस्कारम, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता बादल पात्रों ने खबर दी है कि हजारीबाग के रेलीगढ़ा स्टैंड के पास केसरी होटल और एक पान की दुकान में आज रात्रि के समय चोरी कर ली गई है। केसरी होटल में चोरों ने छिनमारी कर प्रवेश किया तथा पान दुकान में छज्जा उखाड़कर प्रवेश किया। शुक्रवार सुबह के समय जब दुकान मालिक दुकान पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े दुकान मकान या प्रतिष्ठान पर असामाजिक तत्वों की नजर हो सकती है और इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है या भविष्य में भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने मकान दुकान प्रतिष्ठान की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों के साथ मोहल्ला सुरक्षा समिति का निर्माण करने और रात्रि काल में पहरेदारी करें। अपनी मोहल्ला सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर अपने क्षेत्र के थाना में देकर इसकी अनुमति ले लें तथा संबंधित थाना के अधिकारियों का नंबर भी अपने पास रखें। इस प्रकार से आप अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। न भयम चास्ति जागृत, जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। आपके दुकान में चोरी हुआ कितने बजे पता चला आपको? हम तो रामगढ़ के हुए थे, रामगढ़ से आने के बाद पता चला है, यानी सुबह में। सुबह कितने बजे? वही करीब 6:45। क्या क्या चोरी हुआ? दुकान तो जो सामान था तो उतना तो याद नहीं, अब उतना दिन बंद रह गया तो सब तो ले गया। अब कौन सी बताएं, गल्ला वाला जो था जो भी था, कुछड़ा उछड़ा पैसा था जो भी था सब ले गया। मैंने कितने के सामान था? लगभग लगभग 10,000 से सामान कम थोड़ी था। क्या नाम हुआ? नाम विनोद मालाकार हुआ। ठीक, कितने बजे आपको मालूम चला कि आपके दुकान में चोरी हुआ? जब मैं सुबह यहाँ आकर दरवाजा खोला तो देखा यहाँ टूटा हुआ। क्या क्या चोरी हुआ? 2,000 रुपया था यहाँ गल्ला में और कुछ सामान ले गया है, करीब 1,000 रुपया का सामान ले गया है, 1,200 का, 2,000 रुपया कैश, 1,500 रुपया कैश था, कुछ खुला पैसा था, मिला जुला कर 2,000 रुपया और 1,000 रुपया लमसम का सामान ले गया, पानी बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह। क्या नाम हुआ? उमेश केसरी।